हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। ओ, नाइन्थ बेसिक टर्म्स हम पढ़ चुके हैं और बेटा अब थ्री ही मेरे पास पेंडिंग है। ठीक है जी, थ्री बेसिक टर्म और कर लो, ट्वेल्थ तक पहुंच जाएंगे। थर्टीन्थ बेसिक टर्म मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ नाम लिखूंगा और छोड़ दूंगा। जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे पक्का पता है 2-3 महीने तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, 2-3 महीने के बाद मैं उसको क्लेरिफाई करूंगा, तब लिखेंगे इसको, जगह छोड़े रखेंगे एक पेज उसके लिए 2-3 महीने तक। ठीक है जी, तो अब वो आज टेंथ बेसिक टर्म लिखने जा रहे हैं। बेटा टेंथ बेसिक टर्म लिखो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोग सब सामने देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। अब हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर बड़ा इजीली समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि बेटा प्रीपेड सिम कार्ड के बारे में सब जानते हैं और ऑलमोस्ट आप सभी बेटा प्रीपेड सिम कार्ड ही यूज कर रहे हैं। बेटा हम क्या करते हैं आज की तारीख में, प्रीपेड सिम कार्ड में पहले रिचार्ज कराते हैं, तभी हम उसका बेनिफिट ले पाते हैं। ऐसा ही होता है। लेट सपोज कि आपने एक रिचार्ज कराया बेटा 15 अप्रैल को, ठीक है जी, और मान लो वो रिचार्ज की वैलिडिटी है 3 मंथ्स, 84 डेज को इग्नोर करो, ठीक है ना जी। मान लो बेटा वैलिडिटी है 3 मंथ्स, तो ये रिचार्ज आपको बेनिफिट देगा 14th of July तक। 14th of July रात के 12 बजे तक आपको बेनिफिट देगा। बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? वो एक्सपेंसेस जिसको आप एडवांस में पे कर देते हो उसको बोलते हैं प्रीपेड। सिंपली मींस पेड इन एडवांस। बिजनेस के वो रूटीन खर्चे, वो डे टू डे एक्सपेंसेस जिनको मैं एडवांस में पे कर देता हूं, और अगले 12 महीने के अंदर अंदर वो मेरे को बेनिफिट दे देंगे, उनको मैं बोलता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। समझ में आ रही है बेटा बात? क्या और भी बिजनेस के खर्चे हो सकते हैं? बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा टेलीफोन एक्सपेंस का एग्जाम्पल था, मैं एक और एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं। समझना जरा इस बात को बेटा, ये जो जगह जहां पर आप बैठे हो, ये रेंटल प्रमाइसेस है मेरा, ये मेरी अपनी बिल्डिंग नहीं है, मैंने रेंट पे ली हुई है जगह, ठीक है जी। और जो लैंडलॉर्ड हैं वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एडवांस रेंट दूँ, ठीक है जी। अभी 4 दिन पहले जब 1st of April थी, तो मैंने पूरे मंथ का एडवांस रेंट पे कर दिया। क्या ये एडवांस रेंट पूरे अप्रैल मंथ मेरे को बेनिफिट देगा या नहीं देगा? पूरे अप्रैल मंथ बेनिफिट देगा। ऐसे सारे खर्चे जो मैं बिजनेस में एडवांस में पे कर देता हूं और नियर फ्यूचर उसका बेनिफिट मुझे मिल ही जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर तो मिल ही जाएगा, ऐसे सारे खर्चों को बेटा मैं बोलने लगता हूं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सबसे आसान बात बोली। साथ ही साथ एक बात और सुन लो यहीं से बेटा, करंट एसेट्स की डेफिनेशन याद करो फटाफट से। अरे पता नहीं क्या थी, भूल गए। विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन 12 मंथ, जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी सारी एसेट्स को हम करंट एसेट्स बोलते थे। एक बात और ऐड हो गई अब यहां पर, हर वो एक्सपेंस जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर मुझे बेनिफिट दे दे, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट्स होता है। हर वो एक्सपेंस जिसका नियर फ्यूचर मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, अगले 12 महीने के अंदर तो मिलने ही वाला है,
उसको हम करंट एसेट्स बोलेंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस अब करंट एसेट्स में आप एग्जांपल के तौर पर ऐड कर सकते हो। बढ़ाएं बात को आगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, और वो बिजनेस के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, इवन सैलरी जो सबसे ज्यादा एडवांस दी जाने वाली चीज है। कोई भी बिजनेस होता है आज, कोई भी आप एम्प्लॉय को रखो, कहते हैं कुछ एडवांस, कुछ तो एडवांस चाहिए चाहिए। आप साल, आप महीने के पहले दिन उसको एडवांस दे देते हो, ये पूरे महीने की सैलरी एडवांस आ गई, क्या बोलोगे उसको टेक्निकल भाषा में? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड सैलरी। ठीक है, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। आगे बढ़ाए बेटा बात को। बाबू सबसे हल्की टर्म थी ये, इसलिए बेटा हमने कुछ मिनट्स में ही खत्म कर दी। अब नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं बेटा, टर्म का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बेटा, ये क्या चीज होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? बेटा अगर मेरे को इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ही बोलना है तो मैं इसको बोल सकता हूं एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, वो खर्चे जो हो तो चुके हैं पर मैंने अभी तक भी पे नहीं किया उसके लिए। खर्चा हो ही जा रहा है पर मैं पे नहीं कर रहा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका बेटा? जैसे अभी उधर एग्जाम्पल दिया था प्रीपेड सिम कार्ड का, अब सोच लो बेटा पोस्ट पेड सिम कार्ड। बेटा पोस्ट पेड सिम में होता क्या है? मान लो अभी 4 दिन पहले 1 अप्रैल को आपने एक पोस्ट पेड सिम ले ली। क्या होता है पोस्ट पेड सिम कार्ड में? बेटा पहले हम यूसेज करते हैं, पहले हम उसका बेनिफिट उठाते हैं, फिर 1 मंथ के बाद उसका बिल आएगा, फिर तो पे करेंगे। ऐसे ही तो होता है। तो आपने क्या किया, 1 अप्रैल को कुछ डेटा यूज कर लिया, कुछ कॉलिंग कर ली, 2 अप्रैल को, 3 को, ये कहानी चलती रही चलती रही चलती रही, 30 अप्रैल तक आपने यूज कर लिया। 1 मई को बिल जनरेट हो गया और कंपनी ने कहा कि आप 5 मई तक पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, उससे लेट किया तो ब्याज के साथ पैसा दे। ऐसे ही होता है बेटा जनरल केस में पोस्टपेड सिम कार्ड। मैं ये कह रहा हूं बेटा, अब 1 से 30 अप्रैल तक आप सोचो तो सही, खर्चा हुआ नहीं क्या? खर्चा तो हो रहा है। आज 2 अप्रैल को उठे, 1 अप्रैल का खर्चा कर चुके हो ना, क्या आपने सच में पे किया उसके लिए अभी तक? नहीं किया। ऐसे सभी खर्चों को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दैट सिंपली मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। खर्चा हो चुका है मैं पे नहीं कर रहा लेकिन उसके लिए भी। क्लियर है बात? सेम बात ऐसा भी तो हो सकता है कि सैलरी का एग्जाम्पल मैं यहां पर फिट कर दूं। एक एम्प्लॉय मेरे पास आया 1 अप्रैल को कि मुझे नौकरी दे दो। मैंने कहा जी ठीक है नौकरी दे देता हूं। मैंने कहा लेकिन मैं तुझे जानता नहीं हूं, ना तेरा रेजिडेंट जानता, मैं एडवांस कुछ नहीं देने वाला। उसने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, महीना पूरे होने के बाद दे देना। मैंने कहा ठीक है डन, काम करता है। पूरा 1 अप्रैल काम करके चला गया वो, देखा जाए तो मेरा तो खर्चा हो गया, बस मैंने पे ही तो नहीं किया। 2 अप्रैल काम करके चला गया, खर्चा हो गया, मैंने पे नहीं किया। 30 दिन तक यही कहानी चलती रही। आपको नहीं लगता 30 दिन तक ये खर्चा मेरे ऊपर बकाया ही रहा? हिंदी में बोल सकते हैं बेटा इसको, ये बकाया ही खर्चा है। बकाया मतलब पे नहीं किया कर रहे आप और खर्चा हो ही जा रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या सिंपल मतलब? पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग सिंपल मतलब क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इजी चल रहा है आज का मुद्दा तो, बहुत इजी है अभी तक लग रहा होगा। क्या करा रहे हो यार, ये तो थकी थकी सी बातें, मुश्किल कर लो कुछ। मैं तो कह रहा हूं प्यारे बच्चों आज चीख चीख के कई दुआ की कुछ मुश्किल कराओ, मजा नहीं आ रहा यार इसमें। बताओ, कहना भी नहीं चाहते सर, सबको साफ सुन गया कि
कि पता लगे सच में मुश्किल करा दे कुछ। ओ लास्ट टर्म, मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी होने वाली है, तो बस बैग बांध ही लो, आज बस अभी जा रहे हैं हम 5-4 मिनट के अंदर अंदर घर। लो बाबू लो, फटाफट से ख़त्म करते हैं। ये बड़ी प्यारी टर्म है, ठीक है ना, और इंडियंस तो इसके बिना चल ही नहीं सकते आगे, ठीक है जी। वो बड़ी प्यारी टर्म, टर्म का नाम है डिस्काउंट। पूरी PhD करनी है डिस्काउंट के ऊपर, कितने तरीके की, कैसी कैसी, सब डिस्काउंट जान लो आज, ठीक है जी। बाबू लेट सपोज कि आपकी एक दुकान है और आपकी दुकान है रेडीमेड गारमेंट्स की, आपकी दुकान है रेडीमेड गारमेंट्स की, एक पर्सन आपकी दुकान पर एंट्री करता है, अगर से एक सेकंड पॉज करना है, एक पर्सन आपकी दुकान पर एंट्री करता है, एक जीन वो पसंद करता है और आपसे पूछता है इस जीन्स का प्राइस बता दो। आपने कोट किया मैं आपसे 500 जीन्स खरीदने सेम अलग अलग साइजेस की, और मैं क्वांटिटी लूंगा आपसे 500। अब क्या तो उसने देखा जाए तो 500 के ऊपर MRP सब पे 1000 ही है, यानी कि 5000 है, पर क्योंकि आप फर्दर सेल के लिए खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ मार्जिन तो मुझे देना ही पड़ेगा, वरना वो बेचेगा क्या MRP पे दोगे तो उसको। तो उसने कहा कि ठीक है 500,000 रुपए MRP है, पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, 20% मेरा ख्याल तो प्यारे बच्चे निकाल लेंगे, आता है ना परसेंटेज निकालना, पता इसमें भी बाबू परसेंटेज निकालना आता है, देव कह रहा नहीं, देव नहीं आता क्या भाई, और भी कोई है मम्मी ये कहां से आ गए, ले मेरा पुत्र 5 लाख का 20% मुझे निकालना है। देख बाबू 5 लाख का 20% निकालना है, परसेंटेज जब भी हटानी हो डिवाइडेड बाय 100, मैंने परसेंटेज हटानी है तो डिवाइडेड बाय 100, 20 से 100 को कैंसिल करा 5, कटिंग कर ले 1 लाख, ठीक है बाबू। बाकी सबको आती है परसेंटेज निकालनी, चलो जिनको आती है निकालनी वो फटाफट से परसेंटेज निकाल के दिखाएं, लो लो बाबू लो लो लिख निकाल के दिखाओ, वो देखो निकालने लग गए, निकालने दो जन्मों तक रहन दो, आए बड़े परसेंटेज निकालने वाले, लो सामने देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे बस की बात नहीं कुछ भी, ठीक है जी, लो सामने देख रहे हैं। तो बाबू 1 लाख रुपए आपने डिस्काउंट ऑफर कर दी और उसको 4 लाख रुपए की दे दो और ले जाओ 500 जीन्स, ठीक है। जो 1 लाख रुपए आपने डिस्काउंट ऑफर करी ये सब वजह से करी क्योंकि वो आपसे क्वांटिटी बाय कर रहा था, सही है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी ले रहा है आपसे, बल्क में सामान ले रहा है तभी तो आप डिस्काउंट ही ना बढ़ा देते हैं, सिंगल पीस लेता
सामने दिख रहा है, मैटर थोड़ा सा से सुनना हो समस्या। मैंने देखा काम कभी भी पोस्ट ऑफ अकाउंट्स में नहीं खा जाते, कभी हम अकाउंट्स बनाएंगे कभी बनाना शुरू कर देंगे कल से, ठीक है। निश्चित बात करें हर किसी के प्रैक्टिकल चैप्टर की, तो हम कभी भी प्रैक्टिस काम पोस्ट ऑफ नहीं करेंगे। अब बच्चे पूछने में क्या बात कर रहे हो कि 5 लाख रुपए की प्रोडक्ट की एमआरपी 3 लाख का डिस्काउंट था और 4 लाख अपने सामान बेचते हैं, ना बेचते दिखाएंगे। यानी कि मैं इस केस में अकाउंट्स बनाकर सीधा रिकॉर्ड करूंगा कि मेरी आज की सेल्स है 4 लाख, आफ्टर डिस्काउंट कितने रुपए का भी सामान मिलेगा सीधा दिखा दूंगा कि मेरी सेल्स है 4 लाख। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अगर मैंने सीधा सेल्स किया 4 लाख तो ये क्या कभी भी रिकॉर्ड हो पाया, कभी भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। समझ में आई बेटा बात, सेम काम परचेज के टाइम पे भी हो सकता है। ये भी मैं सेल के लिए बोल रहा हूँ ना, मैं सामान खरीदने क्या, मैं 500 जींस खरीदने क्या, उस सामने वाले ने कहा जी 1000 रुपये एम आर पी 5 लाख की है, मैं भी 500 जींस ले रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है एम आर पी में, तो उसमें भी 20% डिस्काउंट थी और मैं 4 लाख रुपये का सामान ले रहा था। मैं अपनी 200 करोड़ से सीधा परचेज रिकॉर्ड करूँगा 1 लाख का डिस्काउंट थी और 4 लाख का बैंक मिला, सीधा परचेज 4 लाख रुपए। यानी कि मेरे को एक जींस 800 रुपए की पड़ गई, 500 जींस 4 लाख की। समझ में आएगा, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती, ना सेल करते टाइम ना परचेज करते टाइम, इसको कभी भी अलग से दिखाते ही नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में दिखाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी नहीं दिखाते। समझ में आई बात, विशेष खत्म। एक नया एग्जांपल दे रहा हूं बाबू, आप बिजनेस के प्रोपराइटर हो, बड़े दिन मैंने यूज करी, बिजनेस के ऑनर बिजनेस का प्रोपराइटर है, इसने क्या किया, मिस्टर पी को उधार पर गुड्स बेच दिया, मिस्टर पी को उधार पर गुड्स बेच दिया। टेक्निकली मिस्टर पी इज नोन एज, मिस्टर बी को डेटर और क्या बोलूंगा, हर वो कस्टमर जिसको मैं उधार पर गुड्स बेचता हूँ तो क्या बोलता हूँ, डेटर बोलता हूँ। मिस्टर बी ने मिस्टर बी को उधार पर गुड्स बेच दिया 20 रुपीज का क्रेडिट सेल्स कर दी मिस्टर बी को, तय हुआ कि मिस्टर बी आपको पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है जी, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है जी। कहानी चलती रही चलती रही, 1 महीना बीत गया, पैसा आना चाहिए मिस्टर बी से भी या नहीं, नहीं, तय कब हुआ है, 3 महीने के बाद, 1 महीने बाद तुम आएगा, कुछ भी नहीं आया। पर मिस्टर ए को पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, तंगी चल रही है बहुत ज्यादा, मिस्टर ए चाह रहा है वो पैसा आ जाए किसी भी तरीके से। मिस्टर ए ने मिस्टर ए को कॉल लगाई कि ठीक है हमारे जो ट्रांसफर कंडीशन है उसके साथ तो आपके पास पैसा पे करने के लिए, अगर आप आज पे कर देते हो ये 1 लाख रुपए, मैं 5% डिस्काउंट आपको दे दूंगा,
1,05% मतलब 5,000 रुपये छोड़ दूंगा, आप 95,000 ही पे कर सकते हो अगर आज कर दो। जो मैंने परसेंटेज निकाली कोई समझ आ गई? ठीक है मिस्टर बी को अगर आप सोच रहे हो तो हम पुश कर रहे हैं फॉर इमीडिएट पेमेंट, पुश कर रहे हैं फॉर इमीडिएट पेमेंट के आज ही हमारे पैसे दे, चाहे कुछ कम दे दे पर दे आज दे। प्रॉम्प्ट पेमेंट के इमीडिएट पेमेंट के लिए हमने पुश करना शुरू कर दिया। मिस्टर बी को भी लगा कह रहे पैसे में जान छूट गई, तो उसने क्या करा 95,000 निकाले और पे कर दिए और आपके पास 95,000 आ गए, हिसाब किताब हो गया बराबर। लेने थे रुपए 1,00,000 पर आपने 5,000 डिस्काउंट दे दिए, 95,000 रिसीव कर लिए। यही हुई ना कहानी, जो भी डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से दी जाती है, हर उस डिस्काउंट को मैं बोलने लगता हूं कैश डिस्काउंट। ये अभी आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो सेम आपको मिल सकती है, मिल सकती है। आप ये सोचो आपका कोई क्रेडिटर होता जिसको आपने 3,00,000 क्रेडिटर, क्रेडिटर सब समझते हैं क्या होता है, जिससे आपने उधार पे कुछ खरीदा क्रेडिटर है, तय हुआ था कि 2 महीने के बाद पैसे देंगे 3,00,000। फोन आ गया सर, हाँ जी कैसे हो, मैं कहा जी ठीक है। अरे वो ऐसे करा देते, मैंने कहा क्या तय हुआ था 2 महीने के बाद, अभी कितने दे देते हैं, मेरा 1.5 महीना दे देंगे, कहते वो तो बात ठीक है 3% डिस्काउंट दे देता है। मैंने हिसाब लगाया 3,00,000 रुपये में 3% 9,000 रुपये बैठता है, मैंने तो को 3,00,000 में से 9,000 बढ़ा दिए मैंने, 2,91,000 रेटिंग कर रहा हूँ तो किसी को भी, और मैंने देखे हिसाब किताब निपटा दिया। ये 9,000 डिस्काउंट मुझे मिल गई प्रॉम्प्ट पेमेंट की वजह से। जो भी डिस्काउंट मिलती है या देते हो दोनों ही कैश डिस्काउंट कहलाती है। जब आप देते हो तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट अलाउड, जब हमें मिलती है तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, मिली तो रिसीव्ड, दी तो अलाउड। इतनी अंग्रेजी तो जानते ही होंगे आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्वांटिटी की वजह से मिलने वाली या देने वाली डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, अलाउ करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, मिली ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट मैंने अलाउ करी, मिली होगी तब भी दिखाऊंगा कि कैश डिस्काउंट रिसीव हुई, जबकि ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं दिखाते, हमेशा डिस्काउंट के बाद जो फिगर आती है उस
उसी को हम परचेज सेल मान लेते हैं अगर ट्रेड डिस्काउंट होती है तो। समझ में आया? कैश डिस्काउंट हमेशा दिखानी है, ट्रेड डिस्काउंट कभी नहीं दिखानी। सिर्फ कैलकुलेशन करो, ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाओ, इसको हमेशा शो करना है। ठीक है जी? जब शो करेंगे, कैसे शो करेंगे, सब पता लग जाएगा। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई? चलो अब नोट्स बनाने शुरू करो आज के। लो जी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे एक बात बोल देता हूँ ताकि पूरी जिंदगी याद रह जाए। एक बात बताओ, एम्प्लॉई 1 अप्रैल को आया, पूरा दिन उसने सर्व किया, मैंने पे नहीं किया। अगले दिन फिर आया, फिर सर्व किया, फिर पे नहीं किया, 15 दिन हो चुके हैं। आपको नहीं लगता कि एक सिरदर्दी मेरे सिर बढ़ती जा रही है? हाँ बोल दो बोल दो बोल दो ना बोल दो, बहुत अच्छा लगे मुझे सुने। लाइबिलिटी बहुत बढ़िया बात। आपको नहीं लगता कि सिरदर्दी बढ़ती चली जा रही है, कि उसको पे भी करना है आज नहीं तो कल? और बहुत समझदार हो, कितने दिन के अंदर अंदर जैनली इसको मैं पे कर दूंगा। भैया 15 दिन अगर काम ले चुका तो अगले 15 दिन तो पे कर ही दूंगा। बहुत बड़ा उधार तो वो भी नहीं मेरे को देगा ना, अगर वो सर्व कर रहा है तो कहेगा ला भाई फटाफट से पे कर दे। बस मैं लिख देता हूँ, समझदार समझ जाने चाहिए। आउटस्टैंडिंग क्या है? करंट लायबिलिटी, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ, पे होगा ही होगा। ठीक है जी? ये लिख लो, फिर हम बात को आगे बढ़ा सकते बेटा। 13th टर्म लिख रहे हैं, सिर्फ नाम लिखेंगे और एक पूरा पेज छोड़ देंगे, पूरा पेज छोड़ देंगे मुझे। ठीक है जी? जिसके पास आधा पेज है वो नेक्स्ट पेज भी छोड़ेगा, जिसके पास 75% ऑफ द पेज है वो 75% वही पेज छोड़ दो, अगले पेज की जरूरत नहीं है। ठीक है जी बेटा? 13th टर्म का सिर्फ नाम लिखवाऊंगा, सिर्फ नाम लिखकर छोड़ देना, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा जरूर इसके बारे में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्लैश फिक्टिशियस एसेट, बहुत भारी भरकम नाम है इसका। एक पूरा पेज छोड़ दो, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। बाय बाय।